छह लोग पूरे टोटल आरोपी हैं, इंटरस्टेट गैंग है। इसमें जो मुख्य है सिमरजीत सिंह, वो पंजाब के रहने वाले हैं, जिनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। एंड उनके कहने के हिसाब से ही हैड सफर्ड हैवी लॉसेस, तो इसी वजह से उन्होंने प्लान किया। एंड बाकी के पांच साथीदारों को उन्होंने इकट्ठा करके नागपुर को टारगेट करने की प्लान की गई थी, जिसमें उन्होंने पहले 17 तारीख को मौदा पुलिस स्टेशन के हद्दी में एक ट्रक के चालक और क्लीनर को मार के, फिर ट्रक और उसके मुद्देमाल की चोरी की। और उसके 2 दिन बाद 19 फरवरी को रामटेक पुलिस स्टेशन के हद्दी में एक टिप्पर के ट्रक चालक और क्लीनर को मार के फिर टिप्पर की चोरी की गई थी। इनका मेन उद्देश्य जो है, दोनों ट्रक चुरा के फिर वो अपनी तरफ से इंजन और चस्सी नंबर को चेंज करके उसका फेक डॉक्यूमेंट्स बना के उसको बेचने का इनका ऐसा मोटिव था। दोनों भी केस में MOB सिमिलर थी, तो हमें तभी लगा था कि दिस वाज द सेम गैंग विच वाज ऑपरेटिंग। तो हमारी तरफ से लेड बाय हमारे एडिशनल SP, LCB PI और उनके 3 अधिकारी, API राउत, API वैरागड़े और API ठाकुर, उन्होंने अपने अपने कर्मचारियों के साथ में मिल के वर्कआउट किया विथ हेल्प ऑफ टेक्निकल एविडेंस एंड दिस थिंग ऑल्सो। और उनके जो गोपनीय सोर्सेस है, उनसे भी उन्होंने माहिती निकाल के फिर फाइनली दे ट्रैक्ड द ग्रुप जो नागपुर सिटी में रेंट ले के रह रहे थे। और उनको 6 आरोपियों में से 4 आरोपियों को ताबे में लिया है। एंड अभी ऑलरेडी टीम आर ऑन द वे टू अरेस्ट द रेस्ट ऑफ द 2 accused। तो इसमें इनका मॉडस एक ही था कि ट्रक को चोरी करके फिर उसको बेच के फिर उससे जो भी है आपस में वाटअप करने का उद्देश्य था। यस, एक्चुअली उन्होंने किसी रिसीवर्स को संपर्क किया है, भंगार में जो खरीदते हैं या सेकेंड हैंड के जो खरीदते हैं, उन्होंने उनको संपर्क किया था। बट कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ शायद, इसी वजह से वो उनका ऐसा प्लान था कि ये जो 2 ट्रक है उसके अलावा भी 2-3 और ऑफेंसेस करके इकट्ठा 4 या 5 ट्रक को लेके एक साथ में उसको डिस्पोज करने का प्लान था। बट लकीली हमने आरोपियों के साथ में दोनों भी ट्रक जो है ये कर लिया है, वी हैव गॉटन होल्ड ऑफ द बोथ द ट्रक्स, मुद्देमाल दोनों भी मिल गए हैं। टोटल मुद्देमाल का अमाउंट जो है 47.5 लाख, ये टोटल मुद्देमाल अमाउंट है। उसमें से 6 आरोपियों में से मेन जो आरोपी है सिंह, ही इज़ फ्रॉम पंजाब, एंड 2 आरोपी जो है वो UP से हैं, एंड 2 आरोपी टुवर्ड्स मुंबई, मुंबई के एरिया के रहने वाले हैं, एंड लास्ट लास्ट एक आरोपी भी यूपी से ही है।